क्या होगा अगर एक दो साल का बच्चा पहली बार बोलना सीखे और वो अपने माँ बाप का नाम लेने के बजाय अपना पहला लफ्ज ये बोले कि वो एक बच्चे की बॉडी में आकर फंस चुका है, और तो और वो बच्चा ये बताए कि उसकी एक बीवी और दो बच्चे भी हैं जो कि दूसरे शहर में रहते हैं, तो शायद आप लोग ये सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूँ ये कोई झूठ या अफवाह नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के बाद गांव में रहने वाले एक छोटे से बच्चे टीटू की सच्ची घटना है। तो आखिरकार कौन था ये टीटू सिंह जो एक बच्चा होने के बावजूद इस तरह की बात कर रहा था? आज भी हम लोग ये पाते हैं कि उसे हमारे घर से कोई प्यार नहीं है, माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है, और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। तो इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से 8 मील दूर बाद नाम के एक छोटे से गांव में 1980 के पीरियड के करीब, जहां के एक मिलिट्री स्कूल में तोरण सिंह यानी कि टीटू का जन्म होता है। हालांकि उस टाइम पर टीटू का बर्थ का कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए टीटू के पिता अपने हिसाब से ही 10 दिसंबर 1982 को टीटू की बर्थडे रजिस्टर करवा देते हैं, जिसके बाद टीटू के 18 महीने का होते ही उसका स्वभाव काफी ज्यादा बदलने लगता है, और वो जैसे ही बोलना शुरू करता है तो वो सबसे पहले ये बोलता है कि मेरे दादा से ये बता दो कि वो मेरे बच्चों और बीवी का ख्याल रखे, क्योंकि मुझे तो यहाँ खाना पीना मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र है। इसके साथ थोड़ा और बड़ा होते ही वो ये क्लेम करता है कि उसका असली घर आगरा में है, और पता नहीं वो बाद जैसे छोटे से गांव में कैसे आ गया। शुरुआत में तो टीटू के घर वाले भी उसकी बातों का कोई ध्यान नहीं देते, और वो ये सोचते हैं कि ये बच्चा सिर्फ अपने हिसाब से अजीबोगरीब बातें कर रहा है, पर देखते ही देखते वो अपने माँ बाप से भी बड़ा अजीबोगरीब व्यवहार करने लगता है। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है, जहाँ वो ये बोलता है कि मेरी असली माँ जो आगरा में है वो काफी महंगी साड़ी पहनती थी, और वहीं इस घर के लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं, और साथ ही वो अपने घर वालों की गरीबी का भी मजाक उड़ाने लगता है। घर के पास साड़ी है जहाँ तक तुम बोलते तो मम्मी मेरी माँ तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। इसके साथ साथ टीटू ये भी बोलता है कि पहले वो अपनी कार से ही हर जगह सफर किया करता था, लेकिन अब मजबूरी में उसको बस पर सफर करना पड़ता है। और तो और टीटू ये भी क्लेम करता है कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है, और वो असल में आगरा में रहने वाला है जहां उसकी खुद की एक रेडियो शॉप है। इसके साथ वो ये भी बताता है कि वो काफी बड़ा स्मगलर और गुंडा था, जिसकी वजह से उसके पास काफी सारा पैसा भी था। इसके अलावा टीटू सिंह सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वक्त के साथ साथ उसकी आगरा जाने की जिद भी बढ़ती चली जाती है। और जब एक दिन साल 1987 में टीटू को ये पता चलता है कि उसके फादर उसे बिना बताए ही आगरा चले गए हैं, तो वो ये जानकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने बड़े भाई से ये बोलता है कि क्या वो उसे आगरा ले जा सकता है, जिसकी वजह से फाइनली टीटू का बड़ा भाई आगरा जाने का फैसला करता है, ताकि वो टीटू के किए हुए क्लेम का सच पता लगा सके। इसीलिए आगरा के सदर बाजार पहुंचते ही उसे सुरेश रेडियो की नाम की एक दुकान मिलती है, जैसा कि टीटू ने पहले उसे बताया था। और जब वो लोग शॉप के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां उमा वर्मा नाम की एक महिला मिलती है, जो सच में सुरेश वर्मा की विडो थी, और उससे पूछने पर वो ये बताती है कि सुरेश वर्मा सच में एक ब्लैक मार्केट स्मगलर था, जिसकी मौत लगभग 30 साल की उम्र में गोली मार देने की वजह से हुई थी। और उस आवाज में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोली हो गई आवाज थी, बाहर निकल के देखा तो मैंने अंदर आई है तो आई नहीं, मैंने सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा करा तो हाथ पकड़ के, मेरी सीधी चीख निकल गई किसी ने गोली मारी है। और जब टीटू का भाई उमा से टीटू के केस के बारे में बताता है तो उमा अपने बच्चों के साथ बाद गांव में टीटू से मिलने पहुंचती है, और जैसे ही टीटू उमा को मारुति कार से उतरते देखता है तो वो सबसे पहले ये सवाल करता है कि मेरी फियाट कार कहाँ है, जो कि सुरेश वर्मा के परिवार ने उसकी मौत के बाद बेच दी थी, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर टीटू एक झूठा केस होता रीबर्थ या पुनः जन्म का, तो उसको उस कार के बारे में कैसे पता होता जो सालों पहले बेची जा चुकी है। इसके अलावा टीटू सुरेश वर्मा की लाइफ से जुड़ी कई और चीजों के बारे में बताता है, जिसके बारे में सिर्फ उसको और उसके परिवार वालों को पता था। और तो और टीटू उमा से ये भी बताता है कि किस तरह उसने एक पेड़ के नीचे कुछ सोना छुपाया था, और जब लोगों ने उसकी बात की सच्चाई पता लगाने के लिए पेड़ के पास खुदाई करवाई तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि एग्जैक्टली वहीं पर सोना मिला जहां टीटू ने बताया था। इसके अलावा जब टीटू को आगरा ले जाया जाता है,
जहां जाकर न सिर्फ वो अपनी दुकान बल्कि अपना पुराना मकान जिसमें वो पहले रहा करता था टीटू ने वो तक पहचान लिया था। और तो और वो ये तक बता देता है कि उसकी दुकान में कौन से शोकेस को उसकी मौत के बाद इंस्टॉल करवाया गया था। टीटू के ये सभी क्लेम सच होने के बाद उसके गांव में उसकी खबर आग की तरह फैल जाती है कि टीटू के ऊपर किसी दूसरी आत्मा ने वश कर लिया है। इसी वजह से धीरे धीरे करके टीटू का ये केस तूल पकड़ता है और इंडियन मीडिया भी इस केस पर रिपोर्टिंग करती है। तभी जाकर ब्रिटेन की एक प्रोफेसर और रिकार्नेशन रिसर्चर एंटोनिया मिल्स की नज़र टीटू के केस पर पड़ती है, जहाँ इस केस पर और डिटेल रिसर्च करने के लिए वो टीटू से मिलने इंडिया आती है, जहां अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ये देखती है कि टीटू के राइट कान के पास एक बर्थ मार्क था जो बिल्कुल एक बुलेट के निशान की तरह दिख रहा था। इसीलिए उस पर तहकीकात करने के लिए एंटोनिया मिल्स सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करती हैं, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुरेश वर्मा का गोली लगने का निशान एग्जैक्टली वहीं पर था जहां पर टीटू के बर्थ मार्क मौजूद था। इसके अलावा एंटोनिया मिल्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी गौर किया कि टीटू का बिहेवियर काफी ज्यादा गुस्सैल था, जो कि हूबहू सुरेश वर्मा से मिलता था। इसके अलावा सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब टीटू ने ये बताया कि उसका या फिर सुरेश वर्मा के मर्डर के पीछे कुछ रैंडम लोगों का हाथ था, जिसका नाम तक उसने बता दिया था। टीटू के इस क्लेम की खबर न्यूज चैनल्स को लगते ही मीडिया ने इस क्लेम को काफी ज्यादा उछालना शुरू किया, जिसकी वजह से नौबत ये तक आ गई कि सुरेश वर्मा का मर्डर केस जो कि बंद हो चुका था उसको एक बार फिर से खोला गया और जिन सस्पेक्ट का नाम टीटू ने बताया था। जब पुलिस ने इंक्वायरी के दौरान इन सस्पेक्ट को पकड़ा तो पता ये चला कि टीटू का किया गया क्लेम बिल्कुल सही था और तभी जाकर पहली बार किसी 4 साल के बच्चे ने अपने पिछले जन्म के कातिलों को जेल भिजवाने जैसा काम तक कर दिया। इसके अलावा एंटोनिया मिल्स ने इस केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि काफी चांसेस हैं कि ये केस रीबर्थ यानी पुनर्जन्म का नहीं बल्कि रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन का है, जिसमें एक मरे हुए आदमी की आत्मा दूसरे जिंदा इंसान की आत्मा को रिप्लेस कर देती है। क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से सुरेश वर्मा की मौत 28 अगस्त 1983 को हुई थी, वहीं टीटू के फादर के हिसाब से टीटू का जन्म 10 या 11 दिसंबर 1982 को हुआ था, जिसका ये मतलब था कि टीटू का जन्म सुरेश वर्मा की मौत से पहले ही हो चुका था। इससे ये पुष्टि होती है कि सुरेश की आत्मा ने टीटू के शरीर में बाद में प्रवेश किया था, जिसे हिंदू टर्मिनोलॉजी के हिसाब से प्रकाया प्रवेश के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वहीं सुरेश वर्मा के छोटे भाई महेश ने ये बताया कि वो टीटू के इस क्लेम के बारे में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आगरा में उसके भाई की मौत के बारे में हर कोई जानता था, इसलिए काफी चांसेस हो सकते हैं कि इस बच्चे को ये सब पहले से ही सिखाया गया था। इसके अलावा टीटू ने इस परिवार से मिलने के बाद 31 क्लेम किए थे, जिसमें से 30 क्लेम बिल्कुल सच साबित हुए थे। लेकिन उनका ये मानना था कि अगर टीटू सच में ही सुरेश वर्मा है तो एक भी क्लेम गलत कैसे हो सकता है। इसके अलावा एंटोनिया मिल्स ने इस केस को आगे भी फॉलो किया और ये पाया कि टीटू ने बड़े होने के बाद काफी पीसफुल कैरियर पाथ चुना था सुरेश के मुकाबले में, क्योंकि जहां सुरेश एक स्मगलर था, वहीं टीटू साल 2012 से ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नेचुरोपैथी और योगा थेरेपी टीच कर रहे हैं, जो कि सुरेश के व्यवहार से बिल्कुल ही ऑपोजिट था। तो आपके हिसाब से क्या सच में ये केस एक पुनर्जन्म का केस था, या फिर अटेंशन ग्राब करने के लिए टीटू सिंह को सब कुछ पहले ही से सिखाया गया था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।